Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is classification of antimicrobial agents. अब antimicrobial drugs की classification होती है, इसके बहुत सारे bases होते हैं, लेकिन जो important base है classification का वो होता है mechanism of action. इसके बाद जो different होंगे classification के bases, उनको भी इस video के अंदर cover करेंगे. तो आपने क्या करना है, video को अभी से like कर देना है, channel बनाएंगे तो subscribe कर देना है. तो पहला है mechanism of action, ये classification base है. तो इसके base के ऊपर हम antimicrobial drugs को किस तरह से classify करते हैं. कुछ ऐसी drugs होती है जिसने cell wall की synthesis को inhibit कर देना है, और इसका mnemonic है firmly bind to bacterial cell wall. तो V से फॉस्फोमाइसिन, B से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, B से बेसिट्रासिन, C से साइक्लोस्पोरिन और V से वैनकोमाइसिन. स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम. नॉन बीटा लैक्टम के अंदर फॉस्फोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोस्पोरिन एंड वैनकोमाइसिन. ठीक है, ओके. अब जो फॉस्फोमाइसिन होती है, इसने इनोल पाइरूवेट ट्रांसफरेज को ब्लॉक करना है. बीटा लैक्टम में ट्रांसपेप्टिडेज, जिसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं. बेसिट्रासिन ने डीफॉस्फोरिलेशन को ब्लॉक कर देना है पैक्टोप्रिनोल की. साइक्लोस्पोरिन ने एलानाइन रेसमेस और एलानिन लाइगेस, इसको ब्लॉक कर देना है. वैनकोमाइसिन ने ट्रांसग्लाइकोसाइलेज को इनहिबिट कर देना है. तो ये ड्रग्स होती है जिसने सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है. कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसने प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है. अब कुछ ऐसी होती है जिसने 50S के ऊपर जाके काम करना है, किसी ने 30S के ऊपर जाके काम करना है. ठीक हो गया. जो 30S पर जाके काम करती है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन और ग्लाइसाइल साइक्लिन होती है, जबकि 50S पर जाके बाइंड करने वाली क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिनकोसामाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन आती है. और जो लिनोजोलाइड होती है ये भी असल में 50S पे जाके बाइंड करते हैं, लेकिन 50S के भी 23S फ्रैक्शन पे जाके बाइंड करते हैं. ठीक हो गया, ओके. लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कि अमाइनोग्लाइकोसाइड बाइंड्स टू 30S एंड 50S, लेकिन बुक्स के ऊपर 30S को ज्यादा फेवर किया हुआ है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बने नहीं देती, पॉलीसोम को मोनोसोम के अंदर तोड़ देगी. ठीक है, mRNA की मिसरीडिंग करवा देती है, ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती है. टेट्रासाइक्लिन और ग्लाइसिल साइक्लिन ये करती क्या है, ये अमाइनो असाइल tRNA के अटैचमेंट को इनहिबिट कर देती है. जहां पर अमाइनो असाइल tRNA के एक के साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, तो उसको इस साइड के ऊपर बाइंड नहीं करने देती. क्लोरामफेनिकोल, इसने पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक कर देना है. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की ब्लॉकेज की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा. ठीक है, और पेप्टाइड चेन की ट्रांसफर होती है पी से ए साइड के ऊपर, वह भी नहीं हो पाएगी. मैक्रोलाइड, लिनकोसामाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन, स्टेप्टोग्रामिन के अंदर एग्जाम्पल आ जाती है क्विनिप्रिस्टोन, टेल्फोप्रिस्टिन. ठीक है, ये वाइट ड्रग है जो बैक्टीरिया से डरा है. ठीक है, वैसे माइनोग्लाइकोसाइड भी बैक्टीरिया से डर होते हैं. ओके, तो इसने भी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देना है. कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को या लीकेज को बढ़ा देना है. फॉर एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हो गया, पॉलीमिक्सिन बी है, कोलिस्टिन है और टायरोथिरिसिन है. ओके, इसके अलावा पोलीइन एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है जिसने एर्गोस्टिरोल की परमिएबिलिटी को ख़राब कर देना है, क्योंकि एर्गोस्टिरोल सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है ना. तो एम्फोटेरिसिन भी, निस्टेटिन है, न्यूमाइसिन है, ठीक है, नेटामाइसिन है. ठीक है, इसके अलावा न्यूमाइसिन क्या, वो तो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, तो हैमाइसिन है. एजोल के अंदर कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल ये भी इसके ऊपर जाके बाइंड करती है, किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है. और ये असल में एक एंजाइम होता है 14 अल्फा डीमिथाइलेशन करवाने वाला. तो आपको बता रहा था कि एजोल्स 14 अल्फा डीमिथाइलेशन को ब्लॉक कर देते हैं लैनोस्टिरोल का, जिसकी वजह से एर्गोस्टिरोल नहीं बन पाता. और एक एंजाइम होता है सिक्वेलिन अपोक्सीडेज, अब ये वाला एंजाइम इसको ब्लॉक करती है, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. वैसे टर्बिनाफिन होती है. कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने न्यूक्लिक एसिड को अफेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल डीएनए गायरेस इनहिबिटर के अंदर फ्लोरोक्विनोलोन आ जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नीवोबायोसिन होती है. और याद करना, नीवोबायोसिन एक माइक्रो के अंदर आपने पढ़ा था, नीवोबायोसिन सेंसिटिव, नीवोबायोसिन रेजिस्टेंट. आपने पढ़ा होगा स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस, स्टेफलोकोकस सैप्रोफाइटिकस. ठीक हो गया. आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर के अंदर रिफैम्पिसिन आ जाती है. ठीक है, ऐसी ड्रग्स होती है जो डीएनए को उड़ा देती है. फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल है, नाइट्रोफुरान. ठीक है, आपको पता है कि जो मेट्रोनिडाजोल होती है ये फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय फेरोडॉक्सिन वगैरह. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर स्टेवर्डीन आ जाती है. इसके साथ टीनोफोविर है, एम्ट्रीसिटामिन है, एबाकैविर है, और मुझे याद करने दो, लैमिविडिन है, डाइडेनोसिन है, जेल सेटाबीन है, जिडोविडिन या एजिडोथाइमिडिन वगैरह बोलते हैं. ठीक हो गया. कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देना. ठीक है, जो दरमियान वाले जो मेटाबॉलिक स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली सल्फोनामाइड होती है, डेप्सोन है, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड है, जबकि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वगैरह वाला एंजाइम ट्राइमिथोप्रिम है, पैरामिथामिन है, पोरोग्वानिला है, मिथोट्रेक्सेट है. आपको पता है कि जो मिथोट्रेक्सेट है एंटी कैंसर ड्रग है. ठीक है,
नेक्स्ट वगैरह आ जाते हैं, और लास्ट कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जिसने अरेबिनोगलेक्टान के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना, फॉर एग्जांपल इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है, और इसके साइन सिम्टम के अंदर, टॉक्सिसिटी के अंदर आपने आइज़ वाली चीज़ें लिखनी है, जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को दोबारा से टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो सलवाल की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनिस, मोनोबैक्टेरियम, वैनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, बैसिट्रेसिन, फॉस्फोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन वगैरह, जैसे डेप्टोमाइसिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनोजोलाइड, जिसने सेल मेम्ब्रेन की लीकेज को करवा देना, पॉलीमिक्सिन है, कोलेस्टिन है, बैसिट्रोसिन, एम्फोटेरिसिन बी, जिसने एमआरएनए की मिसरीडिंग करवा देनी है, परमेबिलिटी को अफेक्ट करना, माइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन, जेंटामाइसिन वगैरह, डीएनए का फंक्शन को खराब कर देना, रिफेम्पिन है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देना, फ्लोराक्विनोलोन आते हैं, इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के अंदर सल्फोनामाइड, सल्फोन, ट्राइमेथोपिन, पिरामिथामिन, प्रोगोवानिल, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, मेट्रोनिडाजोल। पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। ओके, तो ये कोड डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी जिसमें आपको दिखाया होगा कि कौन सी ड्रग किस जगह के पर जाके काम करती है, ठीक है, बाकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली क्लासिफिकेशन का बेस था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब दूसरी क्लासिफिकेशन का बेस है ऑन द टाइप ऑफ एक्शन, के किस टाइप का एक्शन है, बैक्टीरिया को किल करती है या इसकी ग्रोथ को सप्रेस करती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेबल है, पहले बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग को कवर करते हैं, जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर आती है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जो बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है, बैक्टेरियसिडर है, तो वो माइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन आती है। बाकी सारी जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, टेगासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलाइड, साइलिन, कोसामाइड, लिनोजोलाइड है, ये सारी की सारी बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर आती है। अब ड्रग्स अफेक्टिंग द डीएनए, तो इसके अंदर जो फ्लोराक्विनोलोन होती है, मेट्रोनिडाजोल होती है, ये बैक्टीरियसिडल, जबकि नाइट्रोफिरंटोइन, निवोबायोसिन, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। अब जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाँ क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, जबकि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर सारे के सारे क्या होते हैं, बैक्टीरियसिडल होते हैं। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक जिसमें पॉलीमिक्सिन है, कोलिस्टिन है, एम्फोटेरिसिन बी है, ये भी बैक्टीरियसिडल होते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है सिवाय इथेम्ब्यूटोल के, ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, ये सारी की सारी बैक्टीरियसिडल होती है सिवाय इथेम्ब्यूटोल के। ओके, तीसरा क्लासिफिकेशन का बेस है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, किसी का नैरो स्पेक्ट्रम होता है किसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए और कुछ का ब्रॉड होता है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। जब आप इनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन पढ़ते हो टेट्रासाइक्लिन के, क्लोरामफेनिकोल, कितने सारे पढ़ पढ़ के आपके दिमाग ख़राब हो जाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पेज है, तो यहाँ पर वही बताया ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है बहुत ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिस तरह टेट्रासाइक्लिन है, कार्बापेनिम में, इमेपेनिम में, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी, जैसे एंटी स्टाफिलोकोकल पेनिसिलिन है, फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन है। अगली क्लासिफिकेशन का बेस है ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, के किस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करिए, कुछ एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी वायरल होती है, एंटी प्रोटोजोअल होती है, एंटी हेलमिंथिक होती है, और इसी के बेस के ऊपर हमारे चैप्टर्स की मौके, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल वगैरह। और लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन थेरापेटिक इंडेक्स, थेरापेटिक इंडेक्स आपको पता है कि सेफ्टी को इंडिकेट करता है, जिसका थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी कम होगा इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होगी, ठीक है। ओके, अब जिसका हाई होगा वो रिलेटिवली टॉक्सिक नहीं होती, काफ़ी सेफ होती है, जैसे पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है और मैक्रोलाइड्स है, इनका हाई होता है, लेकिन लो किसका होता है, इसका निमोनिक है कैट, बिल्ली, बिल्ली का टेम्परामेंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, जबकि वेरी लो ये है एवीपी, ठीक है, एवीपी, एवीपी क्या होता है, आर्जिनिन वेजोप्रेसिन होता है, आपको पता है कि आर्जिनिन वेजोप्रेसिन ने वाटर को नहीं छोड़ना, तो वेरी लो, पता नहीं कहाँ से निमोनिक बनाया। तो पॉलीमिक्सिन, वैनकोमाइसिन और एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी क्या होती है आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि एम्फोटेरिसिन बी क्या होती है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब करना है, और ये मेडिकल नोट्स वाली ऐप है, काफ़ी अच्छी ऐप है रिवीजन के लिए, अगर आप हमारी वीडियो देख लोगे तब भी आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।